अभी बैठा आया जी, बैठे की जगह ये है जी। देखें कितनी मेहनत हो रही है माशाल्लाह। वो सामने बैठा बैठा हुआ। झेलम अच्छा लगा आपको? झेलम पसंद आया जी? हाँ बहुत पसंद आया। जिस बैठे के लिए शेड बांधा वो बैठा आ गया जी, ये चेक करें। वाह जी वाह, ठीक है जनाब। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। अभी जुमा पढ़ के आए हैं तो साथ ही जनाब, रात को आपको दिखा नहीं सके, रात को बारिश बहुत तेज थी, वैडा ले आए थे तो वैडे के लिए, अभी क्योंकि आपको पता धूप है तो वैडे के लिए शेड बन रहे हैं। तो ये चेक करें जनाब, मेरा व्हाइट मुर्गा माशाल्लाह, ये बच्चा है अभी 8 मंथ का, ये 7 चूजे माशाल्लाह, यहाँ पे अभी शेड बन रहे हैं इनके लिए। ये चेक करें, व्हाइट ब्रीड माशाल्लाह, और वो अंदर दूसरे लसानी, ये अभी लेके आए आज, ये सुबह का काम है सारा माशाल्लाह। अभी इसका शेड बनेगा, वहाँ पे वैडा आएगा वो कॉर्नर पे। अभी वैडा आया जी, वैडे की जगह ये है जी, ये यहाँ पे खाना शाना खिलाने के लिए। अभी वैडे को बंद है बाहर दरख्त के नीचे ताकि उसको धूप ना लगे। अभी जब शेड बन जाएगा कल से फिर वो अंदर ही। बाबा जी हैं जिन्होंने माशाल्लाह पूरा घर बनाया, वैडे का घर भी बाबा जी बना रहे हैं। हाँ जी जनाब, सलाम अलैकुम। कब तक रेडी हो जाएगा ये? इंशाल्लाह बस 1-2 घंटे का काम है। 1-2 घंटे का, क्या बात है। हाँ जी आसिफ, सुनाओ, जबरदस्त मजा आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है। झेलम अच्छा लगा आपको? झेलम पसंद आया जी? हाँ बहुत पसंद आया। वाह जी वाह। भाई जी सलामकम, ठीक हो ना? जबरदस्त। ये चेक करें जी, मेरा लसानी मुर्गा माशाल्लाह, साथ ही मुर्गी चेक करें, ये मुश्की मुर्गी बहुत प्यारी है, ब्लैक एंड व्हाइट भी बहुत प्यारी मुर्गी है, और ये मुर्गा तो माशाल्लाह आउटस्टैंडिंग है। और ये मुर्गी के साथ है, ये जोड़ा लगा हुआ है, और अभी इनके इंशाल्लाह बच्चे भी लेंगे। अभी इन्होंने अंडे दिए हैं, लेकिन अभी इनको कुड़ुक नहीं बिठाना मुर्गी को, क्योंकि गर्मी में ये बच्चे नहीं निकालते, गर्मी में अंडे खराब हो जाते हैं। यहाँ पे जनाब इकट्ठे बच्चे रहते हैं, यहाँ पे जो पेयर है यहाँ पे सेपरेट होंगे, एक पेयर उसमें, एक पेयर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, इसमें, फिर अभी जब थोड़े ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि जब बच्चे बड़े होंगे सारी बात है, ये भी मेल फीमेल हो जाएंगे ना, फिर इनके लिए ऊपर लैदा बनेंगे सारी, इनके लिए जनाब पूरी प्लानिंग की हुई है। कितना प्यारा व्यू है माशाल्लाह वैली का। यहाँ पे जनाब चूजे भी बड़े खुश रहते हैं, और यहाँ पे वैडा भी बहुत खुश रहेगा इंशाल्लाह। अभी मैं मामू और आसिफ जा रहे हैं जनाब वैड के शेड के ऊपर जो पड़ना है ना वो लेने के लिए। पता नहीं इसको कहते हैं कि आप जाके देखेंगे वहीं पे, क्या फिक्स पता नहीं क्या करें, वो पीछे वैली माशाल्लाह। तो ये भी हम जा रहे हैं वैडे के लिए छांव लेने। अभी हम यहाँ पे पहुँच गए, जहाँ से भी थोड़ी देर पहले हमने ये बांस वगैरह लिए हैं, तो अभी यहाँ से हमने वो बांस की छत होती है बड़ी प्यारी बनी हुई, जैसे वो पड़ी हुई है, ये इसके ऊपर आ जाएगी छांव के लिए। इसके ऊपर शीट डाल देगी, फिर तरपाल डाल जाएगा, उससे फिर बारिश भी नहीं आएगी और छांव भी रह जाएगी। देखे ना, ये सारी लेके जा रहे हैं, अभी हम जितनी हमें जरूरत होगी बाकी हम फिर इनको वापस दे जाएंगे। ये हमारे जाने वाले वैली के बिल्कुल साथ बाहर, फौजी फाउंडेशन हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने इनका जो है ना ये सारा सेटअप है। ये जी सामा भाई लेके जा रहे हैं अपना छत लेके जा रहे हैं वैडे के लिए। देखे कितनी मेहनत तो हो रही है माशाल्लाह। वैडे के लिए छत लेके जा रहे हैं, मामू भी साथ हैं, आसिफ भी पीछे साथ है, वापसी में भी यहाँ से कुल्फी भी खाएंगे। ठीक है मामू जी, बड़ा वजन है यार। मैं जरा थक गया, मैंने कहा मामू जी आप थोड़ा सा आप कर लें, क्योंकि ज्यादा जो सफर है वो मैंने गुजरवा दिया इनका, थोड़ा सा रह गया। मैं क्या बाप आ जाए, ये आगे मामू का पीछे आसिफ है, और ये वैली बस पहुंच गए। ये जो टावर लगा हुआ है बावटा का, इसके साथ बिल्कुल छत बन रही है, इसके ऊपर अभी फटियां आएंगी मोटी मोटी, फिर उसके ऊपर सिर्फ ये आएगा, फिर उसके ऊपर शापर, फिर उसके ऊपर तरपाल, फिर काम जबरदस्त हो जाएगा। वो सामने बैठा बैठा हुआ है, ये जनाब पूरे मजे कर रहा है। ये जनाब हम वैली पहुँच गए, ये बाहर बहन से है, ये चेक करें बाहर बहन से, बहनसों के साथ ही अभी वैडे को बांधा हुआ है। वैडे को इसलिए बाहर बांध दिया था ताकि काम करते हुए कहीं उस पर डंडा ना लग जाए, कहीं वही था बांस बांस ना लग जाए कहीं पर उसको। आज 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 चलो जी। हाँ जी, ये जनाब मेरी गाड़ी, वो सामने मामू की गाड़ी, ये जनाब हमारा ग्रास, वो डॉगी भी दिखाऊंगा मैं अभी आपको, वो डॉगी। अभी मैंने खाना खाया दिन का जनाब, ये 3-4 नान बच गए थे फ्रेश, मैंने कहा चलो इसको खिला दूँ, आधी रोटियाँ मैं भैंस को खिलाने लगा। खा लो खा लो खा लो, मज़े आए मज़े। अभी जो इसका स्ट्रक्चर है, जो पूरा इसका फ्रेम है वो बन गया, थोड़ा सा काम रह गया, तकरीबन 50% काम हो गया, 50% काम रह गया। अभी ये चेक करें जी, पूरा ये रेडी हो गया, मजबूती से काम हुआ सारा माशाल्लाह। जिस वैडे के लिए शेड बांधा वो वैडा आ गया जी, ये चेक करें। वाह जी वाह, ठीक ठाक। सलाम, आप ठीक हो ना? हाँ जी बिल्कुल। नहाए कोई नहीं आज? बिल्कुल, जुम्मे आज ना आया हूँ भाई जान। सिर्फ जुम्मे को नहाते हो? नहीं नहीं, एक दिन छोड़ के। क्या हो गया? एक दिन छोड़ के? वाह जी वाह जी वाह, गुड हो गया। लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज दिस व्लॉग, थैंक यू। ये तो तकरीबन डाल चुका है, लेकिन छांव तो कहीं पे भी कोई नहीं है, छांव तो पिछली साइड पे है, क्योंकि इधर जिसके लिए बांध रहे हैं वो तो छांव आई कोई नहीं। अभी इस शेड की छांव वो देखे किधर जा रही है, इसका मतलब है वैडे को कल दिन को वहां पे बांधना पड़ेगा, वहां पे फिर इसका मतलब है सामने भी ना यहां पे को करना पड़ेगा इसका कुछ सिस्टम। मामू जी खुद आ गए हैं जनाब। अभी हम चूजों को देख रहे हैं, मैं भी और बीरा भी है ना। अभी जुजू किधर है? किधर है जुजू? ये जुजू, ये बीरा के फेवरेट चूज है जनाब।
और आज साहब क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। खाना शाना डाल दिया मामू जी ने, डाला है ऊपर सारा शेड भी बन गया। और भी भाई सामा पानी देर क्या हाल चाल है? सारी ठीक ठाक। और भाई सामा जी क्या कर रहे हैं आप अभी? मैं यार पौधों को पानी दे रहा हूँ अभी, यहाँ पे ग्रास को पानी लगा रहे हैं, पौधों को पानी लगा रहे हैं साथ साथ। माशाल्लाह माशाल्लाह। हालांकि पानी की जरूरत नहीं है, कल बारिश हुई है बहुत ज्यादा, लेकिन फिर भी जरा और अच्छा होगा ना सिस्टम। अभी जनाब वंडा खा रहे हैं, अभी इसको नहलाया, अभी हम पट्टे लेने जा रहे हैं इसके लिए। समर भाई आ गए। समर भाई क्या हाल है? ठीक हो? अस्सलाम वालेकुम, कैसा लगा बेटा? जबरदस्त है माशाल्लाह। इंशाल्लाह एक महीने बाद ये पूरा यस हो जाएगा। हाँ जी भी कर रहे हैं, बन भी कर रहे हैं। ठीक है जनाब। हेलो अभी हम जा रहे हैं जी पट्टे लेने मामू के साथ। अभी हम भोले ने आए हैं, ये भी बिन का ट्रक उतरा है, वैडे का भोले लिए। इतना बड़ा बोरा है, इसको पहले वेली में छोड़ेंगे, फिर उसके बाद पट्टे लेने जाएंगे। इसमें 30 किलो आए हैं, 30 किलो। अभी हम मौजूद हैं लाइव खूह के ऊपर से, हम ये पट्टे उतरवा रहे हैं वैडे के लिए। ये चेक करें, ये अंकल शरीफ जो है ना, ये पट्टे काट रहे हैं वैडे के लिए, ताजे बिल्कुल फ्रेश। अभी ये कुतरेंगे तो फिर ये वैडे को डालेंगे बिल्कुल फ्रेश। ये वैडा खुश हो जाना है, पट्टे वगैरह भी डाल दिए, सारा कुछ डाल दिया। इंशाल्लाह दिखाते रहेंगे आपको इसकी जो है ना डेली अपडेट्स वगैरह दिखाते रहेंगे। अभी रात हो गई है तो जनाब आज फ्राइडे था, पूरा दिन वैडे के साथ गुजारा है। वैडे का ये घर बनाया, घर बनाने के बाद वैडे को नहलाया है, नहलाने के बाद जनाब इसका खूह पे गए, वहां से पट्टे लेके आए हैं, खुद भो लेके आए, इतना बड़ा बोरा। तो ये खा रही है मंडी से लिए जी, इसका तकरीबन वो 3 लाख मांग रहा था, तो 1,77,000 177,000 का ये वैडा लिया। तो उसके बाद खा रही है मंडी की जो पर्ची होती है, 2100 की पर्ची थी, तो मेरे ख्याल से 3,000 रुपए इसका कराया। ओवरऑल में ये 183 का घर लाने तक ना 183 183,000 का पहुंचा। एक बंदा बीच में था जिसने हमें ये वैडा दिखाया था, 1,000 रुपए उसने प्रॉफिट लिया अपना। ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि जितने भी शौकीन नजर बात, उन्होंने नीचे में पूछना था कमेंट में कितने का लिया। अभी तक आपने वीडियो देखी है तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वैडा लिया उसके लिए कमेंट में माशाल्लाह लाजमी रखिएगा, जो हमने कुर्बानी करनी है कबूल हो, वो भी माशाल्लाह में लिएगा, उसके लिए भी दुआ करिएगा। लाइक शेयर कमेंट करें जो आपने बोला। अल्लाह हाफिज़।